हिंसा के शूल और अमन के फूल दिल्ली की दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कैसे एक तरफ पिछले हफ्ते हुई हिंसा की तस्वीर है और दूसरी तरफ सीबीएसई की परीक्षा देने आए बच्चों को फूल बांटे हैं पुलिसकर्मियों ने। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले हफ्ते की हिंसा के बाद आज सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का पहला पेपर था। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा थी। बच्चों को सहज करने के लिए खजूरी खास इलाके में स्कूल के बाहर पुलिस ने फूल बांटे। हिंसा और अफवाह के आतंक के बीच दिल्ली की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास के सर्वोदय स्कूल के बच्चों को एसीपी अशोक कुमार और इलाके के एसएचओ फूल भेंट कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने वाली सभी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिन परीक्षा केंद्रों पर आज इम्तिहान हुए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आ रही थी। बच्चे परीक्षा में आकर खुश थे, लेकिन पिछले दिनों इस इलाके में जो कुछ हुआ उसकी छाप उनके मन पर साफ नजर आई। दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा है जो स्थगित कर दी गई थी दिल्ली में बढ़ती हिंसा के चलते, आज दोबारा से कंडक्ट की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको जाफराबाद से दिखा रहे हैं। जाफराबाद से फिलहाल सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के सेंटर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सुरक्षा की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात, वो छात्रों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे। आप सब लोगों के एग्जाम्स है आज, कौन सा एग्जाम है आज आपका? अभी बीते कुछ दिनों हिंसा के चलते काफी ज्यादा माहौल टेंस हो गया था, कितना आपके कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ा था उससे? बहुत कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ा था, लग रहा था कभी समझ नहीं आ रहा था पेपर होगा या कैंसिल है, तो इस वजह से समझ नहीं आ रहा था, अपनी पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई पे। बच्चों के लिए ये इम्तिहान है तो उनके घर वालों के लिए भी कश्मकश की घड़ी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के विक्टोरिया स्कूल के सामने हैं इस वक्त हम लोग। 24 और 25 तारीख को इस स्कूल पर ही पत्थरबाजी हुई थी, इसके बाहर खड़ी बसों को जला दिया गया था। ये टूटे हुए शीशे आपको बता रहे हैं कि किस तरह की हिंसा हुई थी इस स्कूल में, और इसके अंदर खड़ी दो गाड़ियों में भी आग लगा दी गई थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरह से सीआरपी की महिला जवान यहाँ तैनात हैं। शमशाद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोनी से आया हूँ सर। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम था आपको कैसे सूचना मिली कि कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो गया है? नहीं, वो न्यूज़ के माध्यम से ही मुझे पता चला था कि पोस्टपोन हो चुका है। 27 में था इनका पहला पेपर बच्चों का। जी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, यही तनाव है, बच्चे तैयारी भी नहीं कर पा रहे, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। चंद दंगाइयों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को ना भूलने वाले जख्म दिए हैं, लेकिन बर्बादी के उन्हीं जख्मों के बीच ये बच्चे उम्मीद की रोशनी की तरह हैं। आने वाला कल शांति सौहार्द का हो, नफरतों की दीवार फिर खड़ी ना हो, इसकी जिम्मेदारी कुछ दिनों बाद इन्हीं बच्चों के कंधों पर आनी है। प्रशस्ति शांडिल्य के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं यमुना विहार से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक आनंद ब्रिजपुरी से। सबसे पहले सुशांत का रुख करेंगे। सुशांत, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर जहां आप खड़े हैं, और अगर वहां पर पुलिस वालों से बातचीत हुई आपको, किस तरह से स्थिति सामान्य करने की कोशिश चल रही है? देखिए नेहा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आज बोर्ड का एग्जाम है, क्लास 12th का और क्लास 10th के कई सारे एग्जाम्स है जिसको लेकर के कड़ी सुरक्षा और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर तैनात है, और उनके बीच आज स्कूली बच्चों ने अपने बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो दिए हैं। हालांकि जो बच्चों के चेहरे पे दहशत है वो आज भी नजर है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है और एक हफ्ते बाद अब इनका एग्जाम जो है वो है, कई सारे पेपर्स जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ये बताइए कि सबसे पहले कि एक हफ्ते बाद अब आपका एग्जाम जो है वो हुआ है, एक हफ्ते पहले कोई मंजर कुछ और था, आज एग्जाम देने पहुंचे हैं, क्या हालात आपको नजर आए? सबसे पहले तो जो मंजर था वो बहुत ज्यादा डरावना, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक था, और प्रिपरेशन करने बिल्कुल माइंड नहीं लग पा रहा था, और जो प्रिपरेशन में कर पा रहे थे तो पता लग रहा था कि एग्जाम एक के बाद कैंसिल हो जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी प्रिपरेशन वगैरह करने में। और लेकिन जब अब एग्जाम पता चला कि है तो थोड़ा सा अच्छा लगा सुन के कि इतने टाइम बाद बाहर निकलने को देखा कि सब लोग ठीक थोड़ा सा लग रहे हैं और पुलिस फोर्स है, तो पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ी थोड़ी लग रही है, बेटर हुआ। आप कैसे, माहौल कैसा रहा था जब आप एग्जाम देने आज पहुंचे?
सर जब हम पहले एग्जाम देने पहुंचे थे तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश था, और जब इतने टाइम बाद पहुंचे, मतलब ये सीए का जो भी सब दंगा चल रहा है इसकी वजह से माइंड इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि आज के एग्जाम में भी मतलब माइंड एकदम फोकस नहीं लग पाया था एग्जाम पे। एक डर, एक मन में डर कि क्या करे करके, लाइक तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। शांत, अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम यमुना विहार में हमने जानने की कोशिश की, वहां पर क्या स्थिति है, जहां पर आप हैं वहां पर क्या मौजूदा हालात है, वहां पर बच्चे पहुंचे हैं आज एग्जाम सेंटर्स? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको जल्दी से दिखा दूं, ये विक्टोरिया स्कूल है, इसी पर पथराव हुआ था 24 और 25 तारीख को, और आज यहाँ पर महिला सीआरपी के जवान तैनात हैं। तमाम बच्चे आप देख रहे हैं बाहर निकल करके आ चुके हैं एग्जाम दे करके। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन है। आर्यन, पेपर कैसा गया आपका? पेपर अच्छा गया। कैसी तैयारी हुई जब आपको पता चला कि पोस्टपोन हो रहा है, एग्जाम दंगे हो रहे हैं? एक्चुअली वी आर गॉटिंग द प्रिपेयर, बट सडनली वी गॉट न्यूज कि अवर एग्जाम इज गॉट पोस्टपोनडेड फ्रॉम 7 मार्च, बट वी आर स्टिल कंफ्यूज, वी डिडंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीबीएसई साइड, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवरसेल्फ बिकॉज वी नो दैट बोर्ड पेपर कांट बी कैंसिल। अर्लियर व्हेन ऑन दैट डे वी हैव फिजिकल एजुकेशन एग्जाम ऑन 24। तैयारी कैसी हुई दंगों के बीच? During that in night they was making the noise in the streets ki the they were coming to killing us and they and we are the afraid so much and in afraidness we didn't prepare that much well. ठीक है, आपके पास लोडिंग है, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।